नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि ट्रिपल आर मूवी का जो गाना था नाटू नाटू, और हमारे इधर हिंदी में उसको डब करके किया गया था नाचो नाचो, उस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड को 1944 में अमेरिका के द्वारा HFPA मतलब हॉलीवुड फॉरेन प्रेस और एसोसिएशन के द्वारा, मतलब पहली 1944 में पहली बार दिया गया था। ये फिल्मी जगत के और टेलीविजन के कलाकारों को दिया जाता है। ये जो अवार्ड फंक्शन था ये 80वां था, मतलब 80th फिल्म फेयर वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे ये। इसमें नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में रखा गया और अवार्ड दिया गया। तो इस गाने के जो लेखक है वो जब अवार्ड लेने गए तो उन्होंने बोला था कि मैं चाहता था कि जैसा कि सभी लोग आके बोलते हैं अपने गाने का श्रेय किसी और को देके जाते हैं, मैंने सोचा था जब मेरे गाने को ये अवार्ड मिलेगा तो मैं ये श्रेय नहीं दूंगा किसी को, खुद के लिए ही रखूंगा क्रेडिट। लेकिन मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। उन्होंने एसएस राजामौली को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ये गाना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में रखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में हमारे किसी गाने का नाम आया। इससे पहले 2009 में AR रहमान इस अवार्ड को जीत चुके हैं, उसके बाद में अब ये नाटू नाटू का नंबर है। तो हमारा सिनेमा भी आगे बढ़ रहा है और जैसा कि सभी बोलते हैं हिंदी सिनेमा, साउथ सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, भारतीय सिनेमा होना चाहिए। क्योंकि हॉलीवुड में नहीं है कि कैलिफोर्निया सिनेमा, लॉस एंजलिस सिनेमा, न्यूयॉर्क सिनेमा, ऐसे करके नहीं है भारत में, वो अमेरिका में या फिर लंदन में, उन सबके अपने अपने सिनेमा हैं, मतलब पूरा देश के नाम से एक ही सिनेमा है। हमारे यहाँ पर सिनेमा को इतनी सारी कैटेगरी में बांट दिया गया। कन्नड़ फिल्म को हम हिंदी भाषा में देखते ही हैं ना, और तेलुगु फिल्म को भी हम हिंदी भाषा में देखते हैं, और हमारी फिल्मों को वो अपनी तेलुगु भाषा में देखते हैं, कन्नड़ भाषा में देखते हैं, डब करके उतर जाती हैं। तो फिर वो सिनेमा एक 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 तरह से नेशनल सिनेमा हो गया और कोई भारत कोई मतलब पर्टिकुलर एक पार्ट का सिनेमा नहीं रहा। तो अगर ऐसी कोई फिल्में बन रही हैं तो उनको इंडियन सिनेमा का नाम देना चाहिए, ना कि बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कौन कौन से नाम दिए हुए, ये नहीं देना चाहिए। चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो, चाहे वो तेलुगु फिल्म हो, चाहे वो मलयालम फिल्म हो, चाहे वो कन्नड़ फिल्म हो, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, हम अभी सभी फिल्मों को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज कर रहे हैं। मैक्सिमम 90% फिल्में जो रिलीज होती हैं भारत में वो सारी लैंग्वेज में डब होकर होती है। तो अभी लैंग्वेज की बाउंड्री तो हट गई ना फिल्मों से, तो हिंदी सिनेमा होना चाहिए और सभी सिनेमा को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देखिए सिनेमा सिनेमा होता है चाहे कैसा भी हो, ठीक है, लोग उस पर मेहनत करके बनाते हैं तो रिक्वेस्ट वो रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी आज की कि RRR को ट्रिपल आर की गाना नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। और ये 80th अवार्ड थे, 1944 में पहली बार किए गए थे आयोजित, अभी भी लॉस एंजलिस में किए गए थे, तभी भी लॉस एंजलिस में किए गए थे। दुनिया जहान भर के लोग पहुँचते हैं इस शो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचू खड़ी गंबा, भारत माता की जय, जय हो, जय हो।